हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बताने जा रहा है डीएवी मॉडल स्कूल सीएफआई धनबाद का जो फॉर्म निकला है क्लास 11 के लिए वो कैसे फिल करें। ठीक है, बहुत सिंपल में बहुत शॉर्ट वीडियो बनेगा। ठीक है, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बनाऊंगा। हम क्या करेंगे, पहले से डीएवी मॉडल लिख रहे हैं। ठीक है, डीएवी सर्च कर रहे हैं, डायरेक्ट स्कूल का नाम डीएवी मॉडल स्कूल सीएफआई, राइट। जैसे ही क्लिक किए ये मेरे पास जो है कई सारा लिंक अवेलेबल आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें से आपको नहीं मिलेगा डीएवी मॉडल का लिंक। ठीक है, इनमें कोई सा भी जो है लिंक कोई भी ओपन कीजिएगा, ये ऑफिशियल साइट नहीं होगा डीएवी मॉडल सीएफआई का। ठीक है, तो देखिए इसको जैसे ही ओपन किया पहला लिंक ये नहीं, ये इसका ऑफिशियल लिंक नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है लिंक हम प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। वहाँ से आपको जाकर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट वहाँ पर आपका ऑफिशियल साइट खुलेगा। ये फ्रंट पेज में इसका नहीं आ रहा, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन कुछ टेक्निकल इसी की वजह से नहीं आ पा रहा। लेकिन इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और वहाँ से आप इसको डायरेक्ट क्लिक करने पर आप जो है यहाँ पर रीच कर सकते हैं, राइट। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। जी, अब ओपन हो गया। ठीक है, ये डीवी मॉडल स्कूल सीएफआई धनबाद का ये स्कूल है और ये जो फॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं बेसिकली क्लास 11 का है और 11 का जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो है वो आई थिंक 20 तक है। ठीक है, तो उससे पहले पहले आप लोग भर दे। ठीक है, यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और हम आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे स्क्रॉल डाउन किए तो यहाँ पर देखिए एडमिशन ओपन लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो है एडमिशन ओपन जो है वो जैसे देख रहे न्यू यहाँ करके ब्लिंक कर रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे में क्लिक हेयर टू फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक फॉर्म आएगा। ठीक है, देखिए फॉर्म जो है आपका एक डिस्क्रिप्शन आ गया कि क्या क्या इसमें चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो बता रहा है। ठीक है, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्या है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट जो है साइंस के लिए जो है आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए, तो सबसे पहले जो साइंस में B1 होना चाहिए मिनिमम बोल रहा है। ठीक है, मिनिमम B1 होना चाहिए, मैथ में B1 चाहिए और इंग्लिश में जो है वो B2 होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम ग्रेड होना चाहिए आपको 10th क्लास का, राइट। और अदर बोर्ड के बारे में बात करें जैसे झारखंड बोर्ड हो गया, ठीक है, अदर बोर्ड यदि वो लोग अप्लाई करेंगे तो वो लोग के लिए इंग्लिश मैथ और साइंस होगा उसमें मिनिमम 70% मार्क्स होना चाहिए, राइट। अदर जो स्ट्रीम है लाइक कॉमर्स आर्ट्स वो लोग के लिए जो है 6 GPA चाहिए मिनिमम और अदर बोर्ड जो है वो 60% चाहिए। ठीक है, राइट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन का टाइम जो है जो अदर बोर्ड से आए होंगे जो सेम स्कूल से नहीं होगा अदर स्कूल का होगा, वो लोग को TC चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मार्क्सशीट चाहिए और एडमिट कार्ड चाहिए, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं आप फॉर्म की तरफ कि फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, आपको बता दिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फॉर्म जो है ये आपका फॉर्म जो धनबाद CFRI का जो DAV मॉडल स्कूल है ये प्रोविजनल एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको कि प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आप कौन सा क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए तो 1 के लिए कि 2 के लिए, 11 के लिए, 10 के लिए, जो भी है सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, तो हम जो अप्लाई कर रहे हैं 11 क्लास के लिए, राइट। उसके बाद जो स्ट्रीम बोल रहा है, स्ट्रीम जो है मतलब कि आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे कि आर्ट्स लेंगे। ठीक है, तो हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो साइंस के लिए अप्लाई कर, राइट, साइंस हो गया। अब देखिए मैथ के बारे में बात आता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या रखना चाहते हैं अपने हिसाब से, जो सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हो वो सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको जो हो गया इंग्लिश, वो तो कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश, उसके बाद जो है मैथमेटिक्स, उसके बाद जो हो गया फिजिक्स, उसके बाद जो है केमिस्ट्री और उसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस, राइट। और एक आखिरी में जो है PhD का पेपर होता है, PhD फिजिकल एजुकेशन का पेपर है ये। यदि आप इसके अलावा भी कोई और सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्ट है उस पर आप डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, और कुछ नहीं, ड्रॉप लिस्ट तो नहीं, यहाँ पर आपको बस लिखना पड़ेगा जो जो सब्जेक्ट आपको चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसके ठीक नीचे आप आ रहे हैं, सबसे पहले जो है फ़ोटो लगाना है। ठीक है, इसमें तो फोटो किसका लगाना है, एक आपका होगा, एक फादर का होगा, एक मदर का होगा, एक गार्जियन का होगा। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं सबका जो है जितना फ़ोटो वोटो सब लगा के आप जो है यहाँ पर अपलोड कर दे। तो जैसे ब्रॉच पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है जैसे कि देख पा रहे हैं फोटो हमने जो है उसमें अपलोड कर दी है। अब चलते हैं पर्सनल डिटेल्स के बारे में, राइट। पर्सनल डिटेल्स स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले नेम लिखना होता है, तो नेम जो है यहाँ पर आप लिख दे अपना नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही से भर ताकि गलती ना हो। ठीक है, कोई भी गलती यहाँ पर जो है फिर आपको आगे में परेशानी कर सकता है, इसलिए अच्छा से भरे टाइम लेके। उसके बाद फिर आपका जो है मोबाइल नंबर जो है वो दे दे। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद नेशनलिटी जो होता है वो उसको तो वो इंडियन हो गया। रिलीजन को फॉर्म, रिलीजन जो बिलोंग करते हैं वो रिलीजन अपना जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा।
फिर कैटेगरी को भी फॉर्म जो है उस कैटेगरी को भी कीजिएगा, लैंग्वेज जेंडर को, जेंडर जो है आप उसको फिल कर दें, फिर ब्लड ग्रुप जो है वो उसको फिलअप करने के बाद क्या आप जो है बीसीसीएल का एम्प्लॉय है, यदि है तो इसको यस कीजिए, अदरवाइज इसको नन कर दीजिए, ठीक है। तो नन है हम लोग, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस जो होता है वो उसको आप फिलअप करें। इसके बाद जो है जो परमानेंट एड्रेस यदि आपका सेम है प्रेजेंट एड्रेस से तभी चेकआउट कीजिएगा, अदरवाइज जो परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मेरे केस में जो है दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे चेकआउट कर देंगे सेम एज परमानेंट, ठीक है। तो वो क्या होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्रेजेंट एड्रेस में, राइट। अब आता है पेरेंट्स का डिटेल्स के बारे में। तो पेरेंट का डिटेल्स को फिल करेंगे और बताएंगे फादर नेम, जो सबसे पहले फादर नेम लिखना है, फिर एडुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना है, फिर ऑक्यूपेशन में जो है जो फादर जो काम करते हैं उसको ऑक्यूपेशन यहाँ पर लिखेंगे, नंबर लिखेगा, ओके। फिर उसके बाद जो एनुअल इनकम होता है वो उसको यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद जो फादर नेम हो गया, मदर नेम इस साइड जो आपका राइट साइड है उस पर फिलअप करेंगे। क्वालिफिकेशन के बाद जो आता है बोर्ड डिटेल्स होता है, बोर्ड डिटेल्स में जो आप लास्ट स्कूल कौन से अटेंड किए थे विद एड्रेस के साथ में इसको मेंशन करना है, कौन सा बोर्ड आप जो है उससे आप जो है एग्जाम दिए थे, रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है, उसके बाद बोर्ड का रोल नंबर फिल करना है और किस साल आप उसको पास हुए थे या फिर अपीयरिंग हुए वो दोनों लिखना है। यदि फिर उसके बाद सिबलिंग जो है, यदि सिबलिंग मतलब हो कि ओन ब्रदर और सिस्टर है तो उसको यस कीजिए, यदि नो कर दीजिए। यदि सिबलिंग पढ़ता है सेम स्कूल में तो उसका जो है नेम लिखना है, क्लास लिखना है, सेक्शन लिखना है, एडमिशन नंबर लिखना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है किसमें आया आपका, यदि परसेंटेज में आया तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे और ग्रेड आया तो ग्रेड का पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है मेरे पास परसेंटेज आया, तो परसेंटेज का जो मैक्सिमम मार्क्स 600 मार्क्स टोटल था और उसमें लिखने के बाद मार्क्स ऑप्टेन लिखिएगा, उसके बाद परसेंटेज लिखिएगा, फिर मीडियम ऑफ द एग्जाम आपका मीडियम क्या था एग्जाम का, उसके बाद जो इंग्लिश था तो इंग्लिश हमने इसको पुट अप कर दिया। उसके बाद जो आता है अटैच करना है मार्क्सशीट, ठीक है। यदि आपका प्री बोर्ड का मार्क्स है तो प्री बोर्ड का मार्क्स यहाँ अटैच कर दें, प्री बोर्ड का मार्क्स यहाँ पर अटैच करने के ये सब कुछ अच्छा से वेरीफाई करने के बाद फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें, एक बार फिर से दोबारा देखेंगे और देखेंगे कि सब कुछ फिलअप किए सही से कि नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। सबमिट बटन जैसे क्लिक किया तो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद ये लोडिंग ले रहा है, ठीक है। लोड होने के बाद फिर क्या होता है देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका सक्सेस लिखा गया है और योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली प्रिंटेड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आ रहा है इस पर क्या कीजिएगा, बैक पर क्लिक ना करके प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्म जो है जो फिलअप किए थे वो खुल के ओपन हो जाएगा और ये जो है आपका सारा जो डिटेल्स फिलअप किए थे वो सारा कुछ इस पेज में दिखेगा, ठीक है। और इसको पीडीएफ बना के आप सेव कर ले, राइट। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बनाए थे और यदि अच्छा लगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।